हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हमारे यहाँ शाम को बारिश हुई और शाम का समय है और 5 बजे हैं और आंधी तूफान आया और करीब आधे घंटे तक खूब बारिश हुई। और ये देखिए तो मौसम बहुत खुशनुमा हो गया है और बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही थी और इससे हमें राहत मिली है। और देखिए पेड़ पौधे भी खूब नाच रहे, गा रहे, झूम रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। चलो आषाढ़ महीने की पहली बारिश है हो गई और बहुत अच्छा लगा। बारिश हुई तो देख सकते हैं आप लोग, और मई और ये पूरा आधा जून हो गया है, बारिश ही नहीं हुई थी। एकदम तेज़ गर्मी, उमस, तो इससे हमें बहुत राहत मिली है। देख सकते हैं आप लोग। और ये मेरे गार्डन का छोटा सा ओवरव्यू भी कराती हूँ साथ ही साथ, चलिए। और ये मेरा छोटा सा गार्डन है फ्रेंड्स, और आप लोग सोचते होंगे यही यही दिखाती है करके, पर मुझे ये काम करने में अच्छा लगता है, अपने गार्डनिंग का वर्क मुझे अच्छा लगता है, तो ये मैं करती हूँ और अपने टाइम पास भी होता है और इससे अच्छा भी लगता है। पेड़ पौधों से बातें किया करो, उसकी देखभाल किया करो, इससे हमारा मन भी अच्छा रहेगा और हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहता है। अपने आसपास हरे भरे देखोगे तो कितना अच्छा लगता है। तो ये देखिए सदाबहार में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हुई है। और ये है, ये कौन सा फ्लावर है, इसका नाम मैं हमेशा भूल जाती हूँ, पर देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बीज अभी सूख रहे हैं और उसके सूखने का मैं वेट कर रही हूँ, फिर इससे मैं नए पौधे लगाऊंगी, इसमें से उगाऊंगी। तो देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये वाला रेड कलर का है ये देखिए। और ये देखिए यहाँ पर मेरा ड्रेसिना का क्या हाल हो गया है बेचारे का, तेज़ गर्मी में उसकी पत्तियाँ सूख गई हैं। और कोई बात नहीं, अब बारिश चालू होगी ना तो सब पेड़ पौधे हरे भरे हो जाएंगे। और दो टाइम पानी देती हूँ, फिर भी दोपहर की तेज़ गर्मी को इन लोग सहन नहीं कर पाए, ये देखिए। और यहाँ पे ये वाला प्लांट भी, इसकी पत्तियाँ देखिए कैसे सूख गई हैं। और इस बार बहुत गर्मी पड़ी ना, तेज़ गर्मी पड़ी, धूप, दोपहर की धूप पड़ती है इधर। और ये है जेट प्लांट, ये बहुत अच्छा है, इसमें ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। और ये मोगरे में देखिए फिर से कलियाँ आई है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए मेरे गार्डन की क्या हालत हो गई है। अभी क्या है, मैं इधर उधर घूम रही थी, गांव गई थी, तो फिर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो इसी में थोड़ा अब इसको मैं ठीक करूँगी। और इधर देखिए ये डेंथस है वाइट कलर का, और ये है पेंटास, ये पिंक कलर का है। और यहाँ पर देखिए रेड कलर का ये है डेंथस, ये स्नेक प्लांट है, जेट प्लांट वो। और ये है टर्टल वाइन की बेल, और ये तो फिर मस्त मौला है, कहीं भी उग जाता है ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग को भी अगर गार्डनिंग का शौक़ है तो प्लीज़ आप लोग भी गार्डनिंग कीजिए और अपने आसपास के पर्यावरण को स्वस्थ शुद्ध बनाइए और अपने आप को भी ठीक लगता है, चलिए कि हम कुछ कर रहे हैं, है ना। और ये देखिए टर्टल वाइन की बेल, यहाँ ये बहुत लंबी हो गई है, इसकी पत्तियाँ भी बीच बीच में सूख गई हैं। और ये छोटे छोटे कंटेनर में जो लगाई हूँ, मेरे DIY किया हुआ ये प्लांटर है, देखिए इसमें अब पौधे अच्छे से चल रहे हैं देखिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।